यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग की गोहाना में लगातार छापेमारी जारी है, जिसके चलते बिजली विभाग के अधिकारियों ने अभी तक 120 चोरी के मामले पकड़ने में सफलता हासिल की। बिजली की चोरी करने वालों पर 17 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार गोहाना और गोहाना सब डिविजन में आने वाले गांवों में बिजली विभाग के 111 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। लोग बिजली बिल भरने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते विभाग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण एरिया में 80% से ज्यादा बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। बिजली चोरी से सरकार की म्हारा गांव जगमग गांव योजना भी सफल नहीं हो रही है। ऐसे गोहाना डिवीजन में हमारे अंतर्गत 94 गांव आते हैं। ग्रामीण एरिया में 80% से ऊपर हमारी लाइन लॉसेस से चोरी चल रही है बिजली विभाग की। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी टीमें, 4 टीमें लगातार छापामारी कर रही हैं। हमने 120 चोरी के केसेस पकड़ लिए हैं जी, और इनमें जो हमारी जो थेफ्ट हमने पेनल्टी डाली है वो 17,58,000 रुपया हमने डाल चुके हैं। इस 17,58,000 में से 30 कंज्यूमर ने 3,74,000 रुपया अभी तक जमा करवा चुके हैं। 72 घंटे का नोटिस ख़त्म हो जाने के बाद जो बकाया हमारे 90 कंज्यूमर रह जाते हैं उनका हम पर्चा दर्ज करवाएंगे इरीगेशन एंड पावर थाने में जो है। तो आज भी हमारी टीमें गई हुई हैं 4, लगातार ये अभियान चल रहा है ताकि लाइन लॉसेस को हम घटा सकें। बाकी जहां तक रिकवरी का है, 111 करोड़ रुपया इस टाइम गोहाना डिवीज़न का बकाया राशि है।